वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक फेयरनेस क्रीम के बारे में बता रही हूँ जो मॉइस्चराइजर भी आपको फ्राहम करेगी, फेयरनेस भी देगी, ऑल इन वन है, फ्रैकल्स को ख़त्म करेगी, पिगमेंटेशंस को ख़त्म करेगी। तो ये है फेयर एंड पिंक क्रीम। ये SPF 20 है, मल्टी वाइटमिन्स है, मरकरी फ्री है, जैसे कि आप इसमें नोट करके देख सकते हैं। लिकोराई एक्सट्रैक्ट है इसमें, यानी कि मलेठी का एक्सट्रैक्ट इसमें पाया जाता है। ये डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड है। ₹440 इसके प्राइस हैं। ये कॉन्टिन्यूसली आपने 2-3 मंथ तक यूज़ करना है, जिससे आपके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसकी एप्लीकेशन का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले अपनी क्लीन स्किन के ऊपर इसको इस्तेमाल करने हैं, कि इतना आपने इसको जेंटली मसाज करना है कि ये अब्सॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। ये आपकी फ्रैकल्स को ख़त्म करता है, डिस्कलरेशंस को ख़त्म करता है, मॉइस्चराइजर फ्राहम करता है। ये साइड इफ़ेक्ट के बगैर है, ये मैंने खुद भी यूज़ की है। इसमें SPF 20 भी है और ये आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन भी देती है। आपने डे टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट में भी, जैसे कहते हैं डे एंड नाइट एप्लीकेशन है। ये आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। ये वीडियो करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको बताऊं कि आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। मेरे वो व्यूअर्स जिनको ये फेयर एंड पिंक नहीं मिलती है, जैसे इंडिया में मुझे किसी ने 2-3 मैसेजेस किए हैं आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कि आपको ये फेयर एंड पिंक तो पाकिस्तान में अवेलेबल है तो ये यहाँ नहीं मिलती है, तो उनके लिए मैंने एक और क्रीम जो इसके आपके ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये फेयर एंड पिंक जो है ये आपकी स्किन को ना सिर्फ वाइट करती है, पिगमेंटेशंस को रिमूव करती है, फ्रैकल्स को रिमूव करती है, लेकिन सब व्यूवर्स को ये अवेलेबल नहीं है। मेरे बाहर के व्यूवर्स, बाहर के, इंग्लैंड के, जो बाहर, जो नाइजेरिया के आगे पीछे, जो आपके मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेजेस मिलते हैं कि आपको फेयर एंड पिंक नहीं मिलती है, तो फेयर एंड पिंक उन व्यूज़ के लिए उसके ऑल्टरनेटिव में एक क्रीम आपको बताऊंगी जो आप वो उसके ऑल्टरनेटिव दे सकती हैं, तो उसका भी यही रिज़ल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट, तो फिर मैं अभी आपको उसके दूसरी क्रीम के बारे में आपको बताऊंगी कि उसके अगर आपको फेयर एंड पिंक नहीं मिलती है तो फिर कौन सी क्रीम यूज़ की जाए। तो मेरे ये इन व्यूवर्स के लिए है जिनको फेयर एंड पिंक नहीं मिलती है, मेरे इंडिया के जो व्यूवर्स हैं और जो बाहर सिटीज़ के जिनको ये क्रीम नहीं मिलती है, उसके ऑल्टरनेटिव आपने ये क्रीम यूज़ करनी है। सिट्रा पर्ल फेयर फेस के नाम से जो आती है, उसको आपको बेनिफिट्स वही मिलेंगे। मेरी तमाम जो जो रेसिपीज़ हैं या जो टिप्स हैं जिसमें ये फेयर एंड पिंक यूज़ की गई है, उसके ऑल्टरनेटिव आप सिट्रा पर्ल फेयर फेस क्रीम यूज़ कीजिए, उसके आपको यही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये मेरे उन व्यूवर्स के लिए है, बाहर के व्यूवर्स के लिए जिनको ये क्रीम में असर नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टिप्स के साथ हाजिर होंगी, अपनी दुआओं में याद रखिए।